जय हो जय हो, क्या बात है। अरे यार राजा, ए जी हाँ, सुबह ये नहा धो के बारो झर के कहाँ जाते? कोनो जरूरी है कि कुल बात तो तुमके जवाब दे, कहीं जाई तो तुमसे बताई के जाने। पूछ ना सकीला? नहीं पूछ सकेलू, लेकिन बेमतलब का टोका टाकी करेलू। तोरे रोज का ये आदत है, तोरे कुछ और चिंता। सब कबिया पर गेल तैयार हो गए, सब संडा अपन अपन घर थमर बही बिया न पड़ल हमार कहिया बिया पड़े। अरे तो हम सामाजिक आदमी है न जी, हम समाज के लिए काम करते हैं। तुमको भात खाना है, चावल खाना है, तो हम समाज से मांग लाएंगे। तो समाज तो के तुम्हारे घर में पहुँचाई राशन। जा रहे हैं ललई यादव का आज जन्मदिन है। रोज तो एगो एगो सब जन्मदिन में मनावे जाला, जय का वही का। थोड़ा कायदे से बात किया करो, चमकाया धमकाया मत करो। तू वही का पतरा है। ललई यादव का जन्मदिन है। ललई यादव हमारे महापुरुष थे। ये जो सेंट पिपरामेंट लगा के घूम रही हो, सब उन्हीं महापुरुषों की देन है। अरे देखी ला, रोज जय भीम जय बुद्ध जय ललई यादव एकदम रेटीला। पहले ही बताई कि ललई यादव के। अब तुमके का बताई, ललई यादव पूरे देश के रामायण का नसबंदी कह के सुप्रीम कोर्ट से आदेश लिया जाना। आज सुप्रीम कोर्ट का जला कि देश का जितना रामायण है टोटल पाखंड है, झूठ की बुनियाद पर बनल है। ललई यादव का नाम है। ललई यादव के विषय में हमके बताई सुनी। हाँ जानल चाहत हो कि ललई यादव का कहाँ जन्म भया? हाँ कहाँ जन्म भयल के लड़का हमारे समाज खातिर कुछ कैले हम? समाज खातिर बहुत कैले हम। का कैले हम? तुहके महरीन गोबराई लू खाली डी काली पूजत हूँ, तुहरे समझ में ना आया। काहे हरदम डी काली का नाम ले पर जरे ला। इतना दुनिया तोके गरियावत है, तब तोके समझदारी ना होते। तो कुटो कुटो कर बात, घबरा मत, एकर बुराई कर। सुनो सुनो, आई बरवा थई के उखार ले हम कुल। अब बरवा उखा रहे चाहे कुछ उखा रहे, वो नहीं कर रहे, लेकिन हम वचनबद्ध हैं अपने महापुरुषों की विचारधारा से अपने समाज को अवगत कराने के लिए। सुनो पहले, कानपुर के आगे बात झिझक स्टेशनवा सुनाओ रनिया। कानपुर से जब इटावा के तरफ जाओगी ट्रेन से, कानपुर के बाद दूसरा स्टेशन है झिझक स्टेशन, उसी झिझक स्टेशन के बगल में ललई यादव के गांव का नाम है कठरा। कठरवा में जन्मे हम बता रहे हैं। सुनो ये सब चीज जानोगी तो दवाई की तरफ फायदा करेगा, और समाज में भी बताओ। बहुत दिन तक गोबर पूज लिया तुमने। सुनो
लड़की स्टेशन के बगल में कठरा गांव में ललई यादव का जन्म हुआ। और ललई यादव इस समाज को जो दर्पण दिखाए पाखंड से बाहर निकलने के लिए, बुद्ध विचारधारा को प्रशस्त करने के लिए सब लड़त रह, लेकिन आजाद भारत में इस जमहूरियत में ललई यादव ने सुप्रीम कोर्ट से फैसला दिला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हिंदू कोई धर्म नहीं और जितनी भी धर्म ग्रंथ बने हैं सब कल्पना के आधार पर बने हैं और देवी देवताओं को आम मानव पैदा किया है। काहे देवी देवता एक कर तो रुट ले। ये बदे की देवी देवता सबसे ज्यादा यहाँ बीमारी के जड़ है। बीमारी के जड़ ना हाँ। देवी देवतन का दे न की खाए के मिले था। अरे बाल बिबा ये जीवन मिले ये मारिन कह दे तू कि औतन बिया हुआ डाल के संडा लगौता। अब ऋषिया थेऊ की गांव भर संडा लग गेल हमरे बिया ना पड़ तो कह जाना आज के ब्रह्मा विष्णु बिया डाल के संडा रोपे। हे भगवान इतना आदमी गरिया गरिया के शराब शराब भगवान का नाम ले बुद्ध के गगलवा पटक दे भेज भगवान 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 के हम न मानीला न माने थे हम ही नास्तिक। ललई यादव के बात खाली माना काका कह ले हम सुना हमार बात छे हां कुल ठीक है लेकिन एगो और बात बता दा हां बाबू आ माई के बताओ का बना ललई यादव के बाऊ माई का का नाम जी ई जानल चाह हां तो सही जानब तब न समाज में बताई। ललई यादव कान से कीचड़ से मेघी से मछरी से ना जन्म ल तू काहे बार बार वही जुजा थवा हम ये बदे जात है कि बहुजन समाज हमार इतना भोला समाज हो। अब बस बस समझ गए कि समाज काहे तो के गरियावत है जान गई तू कितनी बड़ा होशियार वो तो जनता है समाज गरियाव तो गरिये तो हमार माथा एकदम पका गल तू तोरी संगे जे रही जितना कहत है उतना सुना आ नहीं तो जैया लबदा उठा देब ना तो पिछिया लाल के जे एक बात के सुन ला पहले जब उन सवाल पूछा तू ओकर जवाब ला बेसी ढेर मत बतिया बात माता मूला देवी कुंजू बापू जी का नामा देवी अच्छा बाऊ जी का नाम रहल गुंजू सिंह यादव जी कठरा गांव रह सच्ची रामायण अच्छा आई झूठ रामायण ना ई जो रामचरित्र मानस वाल्मीकि अंड बंड संड जितना हो
ये सब के निचोर के कार के ललई यादव सच्ची रामायण लिखा। राम की कुछ मत कहा भगवान। अच्छा भगवान वह लगा था कि आई कुल देले हम तो उसके सेम टट्टी पर दुनिया का मालिक हम दुख काटे ला दुख के दूर करे ला। मेरी हेराए गई तो गई ना पूछा कि ये खग मेरी ये मधुकर श्रेणी तू का देखला सीता मेरी नैनी आ दुनिया चलावल हूँ। अरे दिमाग से गोबर और हमार भगवान इतना ताकत वाला रहला ना शंभू ऋषि के मार दे। नहीं नहीं बात सही है वो ताकत वाला तो रहे के ना भगवान तू हम लोग जौन वही है करबे के भगवान यहाँ जितना भगवान हम कुछ बलात्कार कैले कुछ हत्या कैले आई गदहवा उन्हें के भगवान बना के पूजत दिए ऐसा दिमाग गोबरा गया। सुनो पहले कपार बखे लग रहा। अच्छा तोर बात मानत है एक और बात बता दा। हाँ सुना सच्ची रामायण के तू बतिया बता सच्ची रामायण के बारे में जानना चाहती हो कि सच्ची रामायण का मतलब क्या है? हाँ मने हमार वेद पुराण गलत होता है अपने सच्ची रामायण बताएंगे मेरे समझ में आया। तुवार जितना वेद पुराण ललई यादव के पानी में डार के भेंग के पूरा निचोड़ के आज जौनों में के असली रस रहे वही के निकाल के तब सच्ची रामायण बनो मां। समझ में आया? तुम्हारे रामायण में लिखा हुआ है कि मेघी से मंदोदर पैदा हुआ, मच्छरी से मकरध्वज पैदा हुआ, कीचड़ से कीचक पैदा हुआ, हिरणी की पेट से श्रृंगी ऋषि पैदा हुआ। ये तुम्हारा रामायण है। मतलब तू ही सही है कुल बात सही बताओ तो हमारा रामायण बात हमार तुवार ललई यादव पर होती है। हमारी बात मत करा हम अपन बात कहता है ना ही। ये बात टोटल ललई यादव का सच्ची रामायण जो ने रामायण के सुप्रीम कोर्ट कहलस कि जो ललई यादव का स्टेटमेंट है ये सही है। समझ में आया? सुनो हम बता रहे हैं सच्ची रामायण का मामला। देवी देवता झूठ बताते बेटा पुराण हो ललई यादव की सच्ची रामायण ने स्पष्ट कर दिया कि इस देश में जितने ग्रंथ बनाए गए ये सारे ग्रंथ इस देश के 85 मूल निवासी समाज को गुलाम बनाए रखने के लिए बनाए गए और इन देवी देवताओं में इन ग्रंथों में कोई सत्य नहीं है कि जिसे माना जा सके। जैसे ललई यादव को सच्ची रामायण ही बतावे ले कि मुंह से खाने वाली चीज अमाशय में जाएगी गर्भाशय में नहीं जा सकती। धरती से 13 लाख गुने बड़े सूरज को एक बंदर नहीं घोट सकता ये तर्क है ललई यादव जी का। सुनो देवी देवता झूठ बाते बेतयो पुराणी झूठा पखंड में
कुछ हल्का फुल्का फोड़ा मोड़ा जी आपके बतौले से तो समझ में आवत है। कुछ गोबर बाहर निकला जी सही कुल बतावे के न चाहिए आपका काम है ना। तो अब हम जाए आई कपड़ा उतारी चनी बिया डाली नहीं नहीं खुशी खुशी जाई ललैया दो का जन्मदिन मनाई। अच्छा। अब हम चलत है तनी सजवा के आई तो लड्डू ले ले आई। अच्छा आ मोमबत्ती ले ले आई मोमबत्ती तो के का कह जाई ओके जलाई के आ घरवा में तिसड़ पंचतिल कर जाई। बड़ा सही जान गेलू इतनी जल्दी जान गेलू। अगर देश का महिला इतनी चतुर हो इतनी जल्दी बूझ जाए ते भारत के बदले में देर नहीं लगी। हाँ इनके बुला लिया काना वो विनोद के वो बिया बड़ा सही छिड़कर बेहनु नहीं से डलवा दिया। अच्छा तो एक छोर बात पूछल चाहते हाँ मने देवी देवतन के ना पूजे एकदम मत पूजिया नहीं तो काट ले भथवा। अरे आज के बाद ही जितना आई उन को ले जाए के डाल दा पड़ोहे में। आज ले हमके गुलाम बनाओ वाला अधिकार विहीन करा वाला ही है सब हमें समझ में आए। ठीक है बहने सजाई बहुजन समाज के माता बहन लोगों से कह कि ललई यादव को सच्ची रामायण किताब आवला हाँ हर घर में रखा पढ़ा लोगन आई अपने बेटी बेटा के भी शिक्षित बनावा। बिल्कुल सुनी हमार बात सच्ची रामायण के समझ ही गई बतिया तू तो जान गई हाउ हमरे पलट संतोष सुरेंद्र जितेंद्र विनोद कितना दिन से वो लोग लड़त ना तो अपने अपने मेहरारू के कहिए सुधिया देना हमके सब लोग कहते का भैया दरअसल तनी सा हमन में गड़बड़ी है कि अहिरवा समझबो पीछे से कर अब समझ गई अब समझ गई जाई गांव में सबके हाँ समझैया या सुना कि के लगल है ये मिशन में। अच्छा ज्यादा से ज्यादा समाज के सुधारे का काम करें। सादर जय भीम नमो बुद्धाय जय भीम।